आज हम बनाएंगे मसालेदार राजमा। इसके लिए मैंने एक कटोरी राजमा लिया है, उसको मैंने 3-4 बार साफ पानी से धोकर 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। अब हम इस पानी को फेंक देंगे और सिर्फ राजमा कुकर में डालेंगे और इसमें साफ 3 कटोरी पानी डालेंगे। और अब इसमें मैं डालूँगी 2 लौंग, 1 तेज़पत्ता, नमक, और मैं डालूँगी इसमें रिफाइंड ऑयल 1 टीस्पून। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे। तेज़ आंच पर हम इसको रखेंगे 5-6 मिनट के लिए, जब तक सीटी नहीं आ जाती है, और उसके बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 35 मिनट बाद हमारा राजमा अच्छे से गल चुका होगा। गैस बंद करने के बाद कुकर को 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब आप कढ़ाई या पैन कुछ भी ले लीजिए और उसमें देसी घी चाहे तो देसी घी, वरना आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने पिसी हुई प्याज डाली है, आप बड़ी प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसे ब्राउन कर लिया है और अब इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाला है। ये ऑप्शनल है पर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। अब दोनों चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटरों की प्यूरी बनाई थी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज के साथ और थोड़ा इसे पकने देंगे। चलिए हम मसाला डालते हैं। यहाँ मैंने लिया है जीरा पाउडर, अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। यहाँ मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, हींग, और अब हम इसमें राजमा मसाला डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार, और इसको अब हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। और यहाँ मैंने टेस्ट के लिए डाला है इसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन। अब देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, ये डन है। अब हम इसमें डालेंगे राजमा। राजमा डालने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे और इसे पकने देंगे। ये देखिए राजमा पकने लगा है। राजमा की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ डालेंगे गरम मसाला और बस इसे 5-7 मिनट और पकने देंगे राजमा को, और फिर हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ मैंने गैस बंद कर दिया और हम अब इसे ताज़े धनिए से गार्निश करेंगे। लीजिए हमारा राजमा बन गया। इसको चावल के साथ या रोटी के साथ जैसे भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा।